सभी दर्शकों का एक बार फिर से यू फॉर यू वॉइस पे स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यू फॉर यू वॉइस और वक्त हो चला है हेडलाइंस का। आज हेडलाइंस जो है पटाखों के स्टॉल से हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर खास करके बात करें तो कल दीपावली का त्यौहार है, तो इस टाइम जो है ज़्यादातर लोग जो है मसरूफ़ हैं पटाखे लेने में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। तो आज सबसे बड़ी खबर, आज सुबह तड़के पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। ये युद्ध विराम का उल्लंघन पुंछ सेक्टर में किया गया। पुंछ सेक्टर के मंजाकोट और बालाकोट इलाके में जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उनको कड़े जो है जवाब दिया। हालांकि एक सिविलियन जो है इसमें इंजर्ड हुआ और इसके साथ साथ काफ़ी नुकसान भी हुआ। दूसरी हेडलाइन की बात करें तो जम्मू में जो है अगर बात करें पिछले 11 दिनों में तो नए 88 डेंगू के नए केसेस जो है रिपोर्ट किए हैं। हालांकि आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दारा सिंह ने ये कहा कि आप अपने आसपास के इलाकों में जो है स्वच्छता रखें ताकि जो है डेंगू के केसेस जितने कम हो सके। तीसरी हेडलाइन की बात करें तो आज यू फॉर यू वॉइस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी ने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी जो है नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान को जो है सीज फायर उल्लंघन बार बार जो करता है उसका जो है कड़े शब्दों में हिंदुस्तान जवाब देता है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है दिवाली के शुभ मौके पर सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं दी। चौथी हेडलाइन की बात करें तो श्रीनगर में आज कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शन जो कि कुछ दिन से लगाया गया था कुछ इलाकों में श्रीनगर के, उसको आज लिफ्ट करा लिया गया। ये कर्फ्यू का कारण था जो कि बाल कटने की घटनाओं के बाद जो है लोग काफ़ी सारे प्रदर्शन कर रहे थे, जिस कारण जो है काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान किया जा रहा था, जिसके बाद जो है कर्फ्यू लगाया गया। तो फिलहाल आज कश्मीर के काफ़ी इलाकों से जो है कर्फ्यू हटा लिया गया है। आखिरी हेडलाइन की बात करें तो कल दीपावली का त्यौहार है और जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में दिवाली बहुत ही जो है शुभकामनाओं के साथ मनाई जाएगी। अगर हम बात करें पटाखों की तो काफ़ी सारे पटाखों के स्टॉल जो हैं जम्मू के बाहू प्लाजा इलाके में और साथ साथ में जम्मू के काफ़ी इलाकों में जो है इस तरह के स्टॉल लगे हैं और बिश्नाह में भी इस तरह के जो है स्टॉल्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। हम लोग यही आग्रह करते हैं, आप लोग पटाखे चलाएँ, ज़रूर चलाएँ, क्योंकि दिवाली का ही त्यौहार होता है जिस दिन पटाखे चलाते हैं। तो फिलहाल जब भी पटाखे चलाएं, खास करके छोटे बच्चे जब भी पटाखे चलाएं तो अपनी फैमिली के साथ पटाखे चलाएं और हाथों में कोई भी पटाखा ना चलाएं ताकि उनके हाथों में ना लगे और किसी तरह की भी कोई क्षति ना हो। और खास करके जो लोग रॉकेट चलाते हैं वो रॉकेट चलाते टाइम खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई बार जो है कई लोगों के घरों में भी रॉकेट चला जाता है जिससे कि काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो फिलहाल आप लोग दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएं और इसी तरह से अपने त्यौहार को और पूरे जम्मू शहर को अगर हम बात करें तो खास करके दिवाली के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहें यू फॉर यू वॉइस।